भाईजान, आपने तो डरा दिया था। भला अपनी मर्जी से कौन बीमार होता है सालेहा? आप अपना ख्याल भी तो नहीं रखते ना, हर वक्त बस काम 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 के बारे में ही सोचते रहते हैं। मैं तो कहती हूँ अब दफ्तर से कुछ दिन छुट्टी लेकर आराम कीजिएगा। कुछ दिन क्या, अब तो मुस्तकिल आराम करूंगा। मुस्तकिल छुट्टी हो गई है। क्या मतलब? तुम तो जानती हो आजकल के हालात, हर इदारा खसारे। दफ्तर में जिनकी रिटायरमेंट के 5 साल रह गए थे उनको वक्त से पहले ही फारिग कर दिया। तो भाई मैं तो कहती हूँ ये अच्छा हुआ ना, सारी जिंदगी आपने काम ही तो किया है ना, अच्छा है इस महाने आराम कर लेंगे। अल्लाह बड़े मुसब्बिबुल असबाब है। अल्लाह तुमको सलामत रखे, खुश रहे मेरी बहन, खुश रहे। बस आप ठीक हो जाइए। हेमंत की हिम्मत भी कैसे हुई कि वो जेब के कमरे में चली गई और आकर मुझे बताया भी। कहीं उसने ये हरकत जानबूझकर तो नहीं की? समझती क्या है खुद को, अक्ल ठिकाने लगा दूंगी मैं उसकी। आपी, आप इतनी जल्दी जा रही हैं? हाँ वो मामू और अम्मी को नाश्ता देना है ना, तो मैंने सोचा रास्ते से देती हुई चली जाऊंगी। वैसे भी कल मामू तो आ ही रहे, सोचा कि मैं आज मिल लेती हूँ। और हाँ, तुम्हारी ज्वेलरी। थैंक यू, लेकिन मुझसे ब्रेसलेट गुम हो गया है।